गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अंजलि बोल रही हूँ और आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में मेनली बात करने वाली हूँ वो कॉलेसिल काजल है, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। ये स्टिक में तीनों स्टिक्स में से प्रिंट हट चुका है बिकॉज इसमें मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ या इससे सिमिलर, इससे रिलेटेड अदर जो ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में उनके बारे में, लाइक ये कॉलेसिल है, बाकी आइकॉनिक भी है, अदर VLCC, अदर डिफरेंट सो मेनी ब्रांड्स की इस तरह की जो है स्टिक्स आती है मार्केट में। ये पेंसिल काजल्स आते हैं, लाइनर पेंसिल्स काइंड ऑफ, तो उनके बारे में बात करने वाली हूँ। मेनली मैं अपने बारे में बताऊंगी। मैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डेली यूज़ में लेती हूँ लाइनर लाइक दिस काजल, और जो भी मेनली तो ये भी है हिमालय का काजल है। इसको अगर मुझे आइज़ की मतलब इनर कॉर्नर पे अंदर लगाना होता है तो मैं इस काजल को यूज़ करती हूँ, और मतलब अपर लिट पे लगाना है या आउटर लाइन लगाना है तो मैं कॉलेसिल यूज़ करती हूँ। आपको ये देख कर के लग रहा होगा कि क्यों मैंने ये तीन स्टिक्स रखी हुई हैं, सेम चीज़ ही है। मैं जस्ट ये बताने के लिए किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोडक्ट की एक अच्छा रिव्यू देने वाली हूँ, जिससे सब लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आगे क्या परचेज़ करना है क्या नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप कोई भी इस तरह की स्टिक अगर फ्यूचर में परचेज़ करने जा रहे हैं तो उसमें जो क्लेम दिए हुए होते हैं, हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे, जो उसमें क्लेम दिए हुए होते हैं कि वो 24 आवर्स रन करेंगे, इनके इम्प्रूव्ड वर्जन्स भी आए हुए हैं मार्केट में और 12 घंटे चलेंगे। तो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ काजल को, आई थिंक 4 आवर्स 4 एंड हाफ आवर्स टू मैक्स अगर आप ड्रॉ करेंगे, अगर आपने प्राइमर यूज़ किया है प्रॉपर सेट के साथ, आपने प्रोफेशनली काजल लगाया तो थोड़ा ज़्यादा रुक सकते हैं, वरना ये 4 घंटे तक ही रुकते हैं। बट मुझे लाइक जितने भी हैं आइकॉनिक और अदर जो ब्रांड्स हैं, मैं उनके बारे में प्रॉपर कह सकती हूँ, कॉलेसिल जितने भी अवेलेबल हैं और अदर भी हैं, उन सबको मैं यूज़ कर चुकी हूँ। मुझे आई थिंक 10 से ज़्यादा 10-12 साल हो गए मैं रेगुलर डेली बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ काजल और डिफरेंट ब्रांड्स के इस तरह के प्रोडक्ट्स को। तो ये 4 4 एंड हाफ आवर्स तक तो बहुत अच्छे सेट और सही चलते हैं, उसके बाद आपको लगने लग जाएगा वो फैल रहा है, फेड हो रहा है। आई थिंक 4 आवर्स में आपको फील होने लग जाएगा कि आपको टचअप की ज़रूरत है, बट ये बहुत अच्छी बात भी है कि आपको ज़्यादा कोई केमिकल वाला इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए जो आइज़ में चिपक ही जाए और बहुत ज़्यादा नुकसान करे। तो यहाँ पे तीन स्टिक इसलिए रखी हैं कि मैं इसकी काफ़ी बड़ी फ़ैन हूँ, मैंने काफ़ी अदर ब्रांड्स भी यूज़ करे हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, जो कि डेली वेयर में रहते हैं, प्राइस इकोनॉमिकल है, और आपको कोई प्रोफेशनल मेकअप की बात नहीं कर रही, मैं डेली में मतलब आपको थोड़ा बहुत घर पे ही इधर उधर घूमना है और आप यूज़ करने वाली हो तो आप इसको। ये स्टिक्स मेरी आई थिंक 25th 30th स्टिक है, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने के बाद कंक्लूजन में आई हूँ, जब भी मार्केट जाती हूँ हमेशा इसी स्टिक को परचेज़ करके, जब भी मतलब ख़त्म दूसरी स्टिक की ख़त्म हुई भी हो या नहीं हुई हो, मैं हमेशा एक लेकर के आती हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी ख़त्म हो जाएगी। ये मेरी सिर्फ 1 महीने चलती है एक स्टिक। एंड काजल के अब मतलब मैं आप दूसरे ब्रांड्स के भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे ये जो है परफेक्ट लगता है, इचिंग भी नहीं होती, आइज़ में इरिटेशन भी नहीं होती है। बट यस, मैं ये क्लेम ज़रूर करना चाहूँगी कि डॉक्टर्स कभी भी प्रेफर नहीं करते हैं किसी भी तरह का कोल आइज़ में यूज़ करने के लिए, वो तो आजकल की फैशन गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, जो कि बिना काजल और आई मेकअप के रहती नहीं है, तो लेकिन डॉक्टर्स के द्वारा ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। नाउ कम टू दिस काजल, ये आई थिंक VLCC का है, ये हिमालय का है, और आई थिंक लोटस का भी आता है, आजकल तो पतंजलि का भी आ गया है हर्बल काजल, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, मैं सारे यूज़ करके देख चुकी हूँ। तो मेरा फाइनल कंक्लूजन जो रहता है हमेशा परचेज़ करने के लिए, ये मेरी आई थिंक 50th मे बी कौन से नंबर का काजल होगा, इस तरह की मैं बहुत सारी स्टिक्स यूज़ कर चुकी हूँ, फेंक चुकी हूँ,
ये बहुत ही अच्छा है, आईज में कभी इरिटेशन नहीं देता, 3 आवर्स तो इजीली स्टे कर ही रहता है। और काजल ऐसा ही होना चाहिए, अगर आप डेली वेयर कर रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए 10-10 घंटे तक वो आपके आईज में लगा ही रहे। तो ये मेरे 2 पेट ब्रांड्स हैं, मतलब आपने इनको यूज़ किया डेली और आपकी आईज सेट है। मुझे कोई स्पेशल, हाँ यस, ये मैंने मेकओवर का यूज़ किया, पर जब भी होता है मुझे आई मेकअप रिमूव करना ही पड़ता है। ये मैंने किसी ब्रांड से परचेज किया था, मेरे पास एक और लैक्मे का भी है जो कि क्लेम कर 12 आवर्स स्टे करेगा, 650 रेंज का कुछ लिया था मैंने। काफ़ी देर मस्कारा आप लगाते हो, कुछ और लगाते हो, वो सब पार्टी बेस्ड है, आपको पार्टी में जाना हो तभी आप उनको यूज़ करोगे। पर लेकिन जो आप अगर डेली पर्पज़ के लिए देख रहे हो, ये इकोनॉमिकल भी है, हर्बल भी है, ये हिमालय का काजल, और आइस के लिए सूदिंग भी है, तो आप इजीली यूज़ कर सकते हो। बट ये दो प्रोडक्ट ऐसे हैं, मैं इनको हमेशा, और पता है मैंने काफ़ी सारे यूज़ किए हैं, बिलीव मी गाइस, जो भी ब्रांड्स मतलब मैं लेती हूँ, बट वो बॉटल्स वगैरह सब वेस्ट ही जाती हैं, वो कभी प्रॉपरली मतलब फिनिश भी नहीं हो पाती हैं और इधर उधर गुम भी हो जाती हैं। बट मेन चीज़ ये है कि ये दोनों मैं थॉरली लाइक एवरी डे, मे बी इसको मैं इसको थ्राइस अ डे, मतलब मेरे आईज का मैं प्रॉपर वेयर करती हूँ तो ऊपर आईज पे लगाती हूँ इसको, और ये काजल मैं दिन में 3 से 4 बार टचअप करती हूँ। मुझे अपनी आईज में हमेशा काजल ऑल द टाइम चाहिए। तो ये VLCC का है, ठीक है, मैंने एक बार परचेज़ किया पर इसको दोबारा मतलब मैंने प्रॉपर्टी ख़त्म भी नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट है और आई थिंक मैं दोबारा परचेज भी नहीं करने वाली। ऐसा नहीं है कुछ बुरा है इसमें या नुकसान कर रहा है, काफ़ी अच्छे होंगे। बट मैं ना, मैंने लोटस का भी, यस लोटस का भी यूज़ किया हुआ है, काफ़ी क्यूट सी स्टिक आती है, बट ये मुझे दो जो है बहुत बेस्ट लगते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपने मेरे रिकमेंडेशन पे अगर आपने ये दोनों प्रोडक्ट खरीदे और आपको यूज़फुल लगे और आपको लगता है कि आप इस पर स्टिक रहते हैं, तो आपको तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको बेनिफिटेड लगता है, और आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे मैं इस तरह की वीडियोस और पोस्ट करती रहूँगी जो वाकई यूज़फुल रहेंगे और डेली लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि हम आए दिन डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट ढूंढते हैं जो कि हमें सच में हमारे रियल लाइफ में काम आ पाए, ऐसा नहीं कि हमने लिया और हम नेक्स्ट टाइम कभी परचेज भी नहीं करें। सो थैंक यू सो मच गाइज, दैट्स इट फॉर द डे, बाय बाय, टेक केयर।